अल्ट्रा भक्ति चैनल पर आपका स्वागत है और नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और बेल वाले बटन को दबाना न भूलें। वरुथिनी एकादशी व्रत कथा। सनातन धर्म में एकादशी को सभी व्रतों से श्रेष्ठ माना गया है। यह तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित की जाती है। बैसाख माघ में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी व्रत को वरुथिनी या वरुथिनी एकादशी कहा जाता है। इस बार वरुथिनी एकादशी का व्रत 7 मई को है। इस दिन व्रत रखने और विधिवत पूजा करने से सभी दुख दूर हो जाते हैं और जीवन में शांति आती है। जानिए वरुथिनी एकादशी व्रत महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। एकादशी शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि आरंभ 6 मई 2021 को दोपहर 2:10 से, एकादशी तिथि समाप्त 7 मई 2021 को शाम 3:32 तक। द्वादशी तिथि समाप्त 8 मई को शाम 5:35 पर। एकादशी व्रत पारण समय 8 मई को प्रातः 5:35 से लेकर सुबह 8:16 तक। पारण की कुल अवधि 2 घंटे 41 मिनट। वरुथिनी एकादशी व्रत महत्व। वरुथिनी एकादशी पर भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा करने का विधान है। मान्यताओं के अनुसार जितना पुण्य कन्यादान और वर्षों तक तप करने से प्राप्त होता है उतना ही पुण्य वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से मिलता है। यह एकादशी दरिद्रता का नाश करने वाली और कष्टों से मुक्ति दिलाने वाली मानी गई है। इस दिन व्रत करने से घर में सुख समृद्धि और सौभाग्य आता है। मनुष्य के सभी पापों का अंत होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वरुथिनी एकादशी व्रत विधि। दशमी तिथि एकादशी से 1 दिन पहले को शाम के समय सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण न करें। एकादशी पर प्रातः उठकर स्नानादि करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद एक चौकी पर गंगा जल छिड़क कर स्वच्छ करें और आसन बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद धूप दीप प्रज्वलित करें और तिलक करें। भगवान विष्णु को मिठाई, फल, पुष्प आदि अर्पित करें। इसके साथ ही तुलसी भी अर्पित करें और पूरे दिन व्रत करें। द्वादशी तिथि यानी अगले दिन सुबह स्नान करके पूजा करें और किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं। इसके बाद स्वयं भी शुभ मुहूर्त में व्रत खोलें। ऐसी है वरुथिनी एकादशी की महिमा।